बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फोर क्लास, उम्मीद है कि आप लोगों ने जो हमने कल पढ़ा था वो उसकी प्रैक्टिस की होगी, और क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने खुद सॉल्व करने वो खुद किए होंगे। अगला हमारा टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 8 है, राइट नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर। वैल्यूज के अंदर हमने बिफोर वाली वैल्यू और आफ्टर वाली वैल्यू को कैसे लिखना है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी बात है। एक छोटी वैल्यू की बात करता हूँ, जैसा कि आप लोग वर्ड्स का मीनिंग जानते हो कि बिफोर का मीनिंग होता है पहले और आफ्टर का मीनिंग बाद, तो इसके अंदर अगर छोटी एग्जांपल लेंगे, छोटी सी वैल्यू की एग्जांपल ले लें हम लोग, तो अगर 5 मैं लिखूँ, 5, तो 5 से 5 की बिफोर वैल्यू, 5 की बिफोर वैल्यू क्या होगी, यानी 5 से जो पहले एक वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 4 होगी, और आफ्टर वैल्यू 5 की मतलब 5 के जो बाद वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 6 होगी। इतना सही काम है बिफोर एंड आफ्टर के अंदर। हाँ, वैल्यू बड़ी दे सकता है, वो 1000 के अंदर दे सकता है, 10,000 वाली वैल्यू दे सकता है, कोई मिलियंस वाली दे सकता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि बड़ी अगर वैल्यू हो जाएगी, नंबर बढ़ जाएगा, तो उसको आपने कैसे बिफोर एंड आफ्टर में लिखना है, तो उसके अंदर मेथड इसका यही होगा, जैसा कि आपकी बुक के ऊपर भी वो लिख रहा है कि आफ्टर का मतलब होता है सक्सेसर, मतलब बाद में आने वाला सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब सक्सीड कर जाना, आगे निकल जाने वाला, आगे जो निकल जाएगा उसको सक्सेसर कहेंगे, और प्रीडिसेसर जो उससे पीछे वाला होगा, मतलब एक नंबर से आगे वाला सक्सेसर और उससे पीछे वाला जो होगा वो प्रीडिसेसर। तो ऐसे ही जो वैल्यू आपके पास ये बना पेज नंबर 8 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर व्हिच कम्स आफ्टर ईच गिवन नंबर्स, आफ्टर बाद में आने वाले, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू है 4926, आपके क्वेश्चन की है फर्स्ट वाली वैल्यू है 4926, तो इसका जो सक्सेसर होगा, सक्सेसर यानी कि आफ्टर वैल्यू जो होगी, क्या करोगे इसमें सिर्फ एक ऐड कर दोगे आप लोग, क्या बनेगा ये 4927, ये हमारे पास इसका क्या होगा, यानी कि आफ्टर, आफ्टर वैल्यू, आफ्टर भी कह सकते हैं इसको, सक्सेसर भी कह सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, राइट द नंबर व्हिच कम्स बिफोर ईच गिवन नंबर्स, तो फर्स्ट वाली वैल्यू है 3029, इसमें वो बिफोर पूछ रहा है, क्वेश्चन जब वो आपसे पूछेगा तो लाजमी नहीं है कि वो आपको ये कहे कि फाइंड दी आफ्टर एंड फाइंड दी बिफोर, नहीं, अब आपने सेकंड नाम इसके ऊपर, सेकंड वाला नेम जो है वो भी आप लोग पढ़ चुके हो यहाँ पर, यानी कि आफ्टर को वो सक्सेसर भी कह रहा है और बिफोर को वो प्रेडिसेसर भी कह रहा है, तो इसका जो प्रीडिसेसर होगा, इसका जो बिफोर होगा, क्या करोगे इसके अंदर, आप इसमें से एक माइनस कर दोगे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3028, तो यानी कि जिस तरह आपने यहां पर किया था, इसका जो बिफोर लिखा था वो 5 में से एक माइनस ही किया तो 4 आया, और इसमें से एक ऐड किया तो आपके पास 6 आया, यानी कि बिफोर के लिए आप लोग ऐड करोगे, सॉरी बिफोर के लिए आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे और आफ्टर के लिए आप लोग उसके अंदर एक ऐड करोगे। अगला हमारा टॉपिक होगा ये क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी जितने पार्ट्स होंगे, आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आफ्टर के लिए आपने उसके अंदर एक ऐड करते जाना है और बिफोर के लिए आपने उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते जाना है, ये सारा आप लोग खुद कर सकते हो, ये आपने खुद ही करना है इंशाल्लाह। आगे आपके पास पेज नंबर 9 के ऊपर है नंबर सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट भी है और समझने वाली बात भी है कि नंबर सीक्वेंस क्या है। डेफिनेशन लिखी हुई है, अ नंबर सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर फॉलोइंग अ पैटर्न और अ सीरीज ऑफ नंबर विद द सेम इंटरवल, सीक्वेंस विद सीरीज, सीक्वेंस क्या होगा, तरतीब, यानी कि कोई वैल्यू अगर गिवन है तो उसको तरतीब के साथ लिखना, उसके दरमियान जो इंटरवल होगा वो बिल्कुल सेम हो, उसका इंटरवल मतलब जिस तरह ये ब्लॉक्स बने हुए नीचे फर्श के ब्लॉक्स होते हैं या कोई विंडो के अंदर लगी होती है उसके अंदर चेक कर लें, बिल्कुल सेम डिस्टेंस वाली चीजें, सेम इंटरवल वाली चीजें, सेम सीक्वेंस उसको कहेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल देखें ना, 2, 4, 6, 8, 10, एक एक का डिफरेंस आ रहा है, एक एक का डिफरेंस, तो ये एक सीक्वेंस है, एक सीरीज भी है, यानी अगर ऐसा हो 2, 4, 7, 9, 15, अब ये हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, सेम इंटरवल नहीं आ रहा, ये हमारे पास सेम इंटरवल है और ये हमारे पास सेम इंटरवल में नहीं आ रहा है, ये सीक्वेंस कहेंगे इसको, इसको सीक्वेंस नहीं कहेंगे। तो आपके पास इस तरह वैल्यू को अरेंज करके लिखना, सिर्फ 2 से 3 नंबर गिवन होंगे फर्स्ट वाले, बाकी आप लोगों ने खुद करने उसके अंदर कैसे, जैसे कि आपके पास पहला ही पार्ट है
कंप्लीट दिस सीक्वेंस 64, 66 एंड 74, 64, 66 आगे डैश फिर थ्री टाइम्स डैश डैश एंड 74। अब चेक करें 64 में क्या